नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज का इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मराठों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में। इससे पहले मराठों के एक परिचय के बारे में बता चुके थे, इस वीडियो में मराठों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवाजी के बारे में, और शिवाजी के बाद में आगे चल करके शिवाजी के काल के बाद में उत्तरोत्तर जो शासक आए हैं शिवाजी के बाद उनके बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद में हम अन्य उसके बाद में पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य के बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है मराठों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, मतलब शिवाजी के पहले मराठों के काल के बारे में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक परिचय मैंने इसके बारे में बताया था कि चूँकि डायरेक्ट शिवाजी पे आ जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, कड़ी की तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आप पूरी कड़ी की तरीके से आप समझ सकें। मराठों के प्रारंभिक इतिहास की बात करेंगे तो 1303 के आसपास आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। मेवाड़ पर आक्रमण करने के उस दौरान जो सज्जन सिंह थे वो आ गए थे कहाँ पर, महाराष्ट्र में आकर के बस गए थे। उनकी जो पांचवी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी में आप देखेंगे तो उग्रसेन आपको दिखेंगे। इससे पहले वीडियो मैंने बताया है उग्रसेन है, उग्रसेन के दो पुत्र हैं, एक है कर्ण सिंह, एक है शुभकरण। शुभकरण के भी पौत्र हैं बालाजी भोसले, और इसके इनके जो वंशज थे भोसले कहलाते थे, और इनके जो वंशज बालाजी भोसले हैं। बालाजी भोसले के दो पुत्र मालोजी और बिठोजी, ये मालोजी और बिठोजी के आप देखेंगे तो मालोजी के पुत्र शाहजी हैं, शाहजी के पुत्र शिवाजी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, कहने का मतलब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस वाले पोर्शन को, तो जो मेरा फोकस होगा वो मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा क्योंकि आपको यहीं पर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इससे पहले वीडियो मैंने बताया है आपको इसके बारे में, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। और जैसे जैसे मैं बताऊँगा यहाँ पर मालोजी में लखोजी जाधव का जिक्र आएगा, तो जो लखूजी जाधव का जिक्र आएगा ये देवगिरी के यादव वंश के वंशज हैं लखूजी जाधव, जिनकी पुत्री हैं जीजाबाई, उन्हीं से विवाह हो जाता है शाहजी का। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा हम बात करेंगे। बालाजी भोसले के दो पुत्र मालोजी बिठोजी, मालोजी बिठोजी क्या करते हैं कि ये शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो कृषि करते हैं, कृषि में इनको कुछ खास फायदा नहीं होता, और वो आगे चल करके कृषि करते कहाँ हैं तो इलोरा नाम की आपको जगह मिलेगी सोलापुर में, तो वहीं पर क्या करते हैं ये कृषि करते हैं, और कृषि में भी इनको कुछ खास फायदा मिलता नहीं है, तो लखूजी जाधव के अंगरक्षक बन जाते हैं। लखूजी जाधव मैंने बताया ना कि देवगिरी के यादव वंश के वंशज हैं लखूजी जाधव, जिनके ये क्या बन गए हैं वंशज, मतलब कि अंगरक्षक बन गए हैं लखूजी यादव देवगिरी के यादव वंश के वंशज। और मालोजी के जो पुत्र हैं वो शाहजी हैं, तो लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मालोजी के पुत्र शाहजी, क्योंकि आगे चल करके आपको जिक्र आएगा। शुरुआत में तो आप देखेंगे तो ये यादव वंश के जो देवगिरी के यादव वंश है उनके वंशज के यहाँ कह सकते थे शरण ले रखी थी, लेकिन आगे चल करके मालोजी क्या करते हैं, मालोजी जो है अहमदनगर में शामिल हो जाते हैं, अहमदनगर में। अब थोड़ा सा मैप में भी आप देख लीजिए, ये जो पोर्शन मैं आपको बताया हूँ ये थोड़ा सा मराठा का कहते हैं मराठा का क्षेत्र कह सकते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे तो यहाँ से ले करके पूरा क्षेत्र जो है मराठा के अधीन आ जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है, ये अहमदनगर है, उसके नीचे बीजापुर है, और ये मेवाड़ का क्षेत्र है जहाँ से ये लखूजी मतलब कि जो सज्जन सिंह जो थे आए थे। बाकी जो आप जानेंगे मुगल के अधीन तो था ही, यहाँ पर जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पर आप देखेंगे तो जहांगीर का शासन चल रहा है। तो ये वाला पोर्शन आप थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब अहमदनगर में ये शामिल हो गए, अहमदनगर का जो शासक है वो है मलिक अंबर। मलिक अंबर क्या है, अहमदनगर का शासक है, और ये शामिल तो हो गए मालोजी जो है अहमदनगर में शामिल तो हो गए, लेकिन मलिक अंबर एवं लखूजी जाधव के बीच में वैमनस्य हो गया। अब चूंकि आप देखिए आप यहाँ पर समझिएगा कि मालोजी जो थे वो अहमदनगर में शामिल हो गए, और मलिक अंबर जो है अहमदनगर का शासक है, आगे चल करके मलिक एवं अंबर एवं लखूजी जाधव के बीच में वैमनस्य की स्थिति बनती है। चूंकि लखूजी जाधव जो के जो क्षेत्र है और मलिक अंबर में जो मालोजी शामिल हो गए उनके शासन में, तो लखूजी जाधव से जब वैमनस्य हो जाता है, अब चूंकि ये पहले मालोजी उन्हीं के क्षेत्र में कह सकते थे उनके अधीन थे, इसलिए ये जो इनके जो पुत्र हैं शाहजी वो इनसे अलग हो जाते हैं, मतलब कि वो क्या हो जाते हैं लखूजी, मतलब कि जो अहमदनगर की सेवा से हट करके जहांगीर की सेवा में वो चले आते हैं। चूंकि मैंने बताया ना कि इनकी पुत्री का विवाह भी, जीजाबाई का विवाह भी शाहजी के साथ में हो गया है। अब यहीं पर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि जो मराठा थे वो कब पहली बार मुगलों की सेवा में आए, तो यहीं पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जो मराठा हैं वो जहांगीर की सेवा में सबसे पहले आए थे, और तब जब अहमदनगर से वैमनस्य हो जाता है लखूजी जाधव का शाहजी जो है, और कौन से शासक हैं मराठा के जो सबसे पहले मुगलों की सेवा में आए, तो वो शाहजी हैं। याद रखिएगा इस बात को, शाहजी हैं जो मुगलों की सेवा में आए।
सांची, इसके बाद में फिर अहमदनगर में चले जाते हैं। यहीं पर थोड़ा सा आने जाने का दौर चला रहता है, कभी उसमें आ जाते हैं कभी उसमें आ जाते हैं। तो अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहीं पर मान लो जी की मृत्यु वगैरह भी हो जाती है, तो उसके बाद में आप देखेंगे तो भातवाड़ी का युद्ध लड़ा जाता है। भातवाड़ी का युद्ध है, भातवाड़ी के युद्ध में आप देखेंगे 1624 में लड़ा गया। मुगल क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का मतलब अपने विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए अन्य अन्य जगहों पर जीतना चाह रहे हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों को विजित करने के उद्देश्य से ये भातवाड़ी का युद्ध होता है मुगल और अहमदनगर के बीच में। मुगलों की तरफ से आप देखेंगे तो भातवाड़ी युद्ध जो 1624 में हुआ है, भातवाड़ी का युद्ध, इस भातवाड़ी के युद्ध में मुगल प्लस बीजापुर थे, और मुगलों के साथ साथ बीजापुर की सेना थी, और अहमदनगर में आप देखेंगे तो अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी जो हैं वो सेवा दे रहे हैं। शाहजी जो हैं पहले तो इनकी सेवा में चले आए थे लेकिन मुगलों में, लेकिन फिर आ करके अहमदनगर में चले आए। तो याद रखिएगा, जब भातवाड़ी का युद्ध हुआ है पहले 1920 में जहांगीर की सेवा में चले गए, लेकिन जहांगीर के बाद में फिर अहमदनगर में वापस आ गए। वापस आने के बाद में भातवाड़ी का युद्ध 1624 में हुआ, 1624 में ही शाहजी जो है मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसमें दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे तो शाहजी का आप देखेंगे तो कई बार कभी इनकी सेना में कभी उनकी उनकी तरफ आते जाते रहते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, बार बार इधर उधर उनका आना जाना रहता है, तो हम उसको आपको बताएंगे। मलिक अंबर प्लस शाहजी अहमदनगर की तरफ से, मुगल प्लस बीजापुर की तरफ से आप देखेंगे परवेज महावत खां और यहाँ पर लखूजी जाधव, ये तीन लोग क्या हैं आप देखेंगे तो ये मुगलों की तरफ से लड़ रहे हैं। यहाँ पर अहमदनगर की सेना विजित हो जाती है और शाहजी का एक अलग रूप निखर के आता है, जिससे क्या होता है अहमदनगर का जो शासक है मलिक अंबर, ये इनसे क्या होती है थोड़ा सा कह सकते हैं कंट्रोवर्सी चलने लगती दोनों के बीच में, क्योंकि शासक तो अहमदनगर है, उनके अधीन शाहजी हैं, लेकिन जो शाहजी का जो कह सकते हैं जो उनका प्रभुत्व था वो बढ़ने लगता है, जिससे क्या हो जाता है कि शाहजी और मलिक अंबर के बीच में वैमनस्य। इसलिए शाहजी जो हैं वो अहमदनगर की सेना को छोड़ करके, मतलब अहमदनगर को छोड़ करके बीजापुर में चले आए। अब यहाँ पे उनके आने जाने का दौर चलता रहेगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। शाहजी जो हैं वो अहमदनगर से बीजापुर, बीजापुर से फिर अहमदनगर में चले आए, लेकिन अहमदनगर में आते हैं तो अहमदनगर के जो शासक है उसने लखूजी जाधव की हत्या कर दी। लखूजी जाधव की यहीं पर हत्या हो गई, तो अहमदनगर को छोड़ करके शाहजी फिर मुगलों की सेना में चले आए। अब मुगलों की सेना में आए, उस टाइम पे शाहजहां का शासन चल रहा था और शाहजहां ने इनको 5000 का मनसब दे दिया, लेकिन अब यहीं पर मनसब देने से बात नहीं बनती है, ये फिर आकर के अहमदनगर में चले आते हैं। जब पुनः अहमदनगर में आते हैं तो वहां का जो शासक है उसकी हत्या कर दी गई है, शासक जो है उसकी हत्या हो जाती है। जब उसकी हत्या हो जाती तो वहां पे चूंकि ये देखेंगे तो शाहजी हेड बने हुए, मतलब वहां के प्रमुख हैं, अब मेन शासक की हत्या होगी तो वहां पर मुर्तजा का जिक्र आता है, जो वहां के अहमदनगर के तत्समय शासक का पुत्र है, कहें कि भविष्य में होने वाला उत्तराधिकारी है। तो उसके संरक्षक के तौर पर आप देखेंगे तो मुर्तजा के संरक्षक के तौर पर आप देखेंगे तो शाहजी जो हैं वो अहमदनगर की सेवा देना शुरू करते हैं। लेकिन बाद में यहां पर शाहजहां के साथ में फिर इनका कुछ समझौता होता है और ये जितने अहमदनगर के जितने भी किले हैं वो सब दे देते हैं किसको, मुगलों को। तो मुगलों को सारे किले जब मिल जाते हैं तो यहीं सर आप देखेंगे तो शाहजी के काल में ही, मतलब शाहजी के समय में आप देखेंगे तो मुगलों के अधीन ही क्या हो जाता है, अहमदनगर आ जाता है। और उस समय अहमदनगर पे जो आप देखेंगे तो मुगलों की तरफ, मुगलों पे कौन शासन कर रहा था, तो शाहजहां थे। तो ये बातें हैं। अब अहमदनगर इसके आगे चल करके आप देखेंगे तो शाहजी की मृत्यु हो जाती है, शाहजी के पुत्र हैं शिवाजी। तो यहीं से क्या होता है, शिवाजी के जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, शिवाजी के जन्म से लेकर के पूरी कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि एक पृष्ठभूमि है जिसमें आप मराठों के इतिहास को, प्रारंभिक इतिहास आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप शिवाजी के बारे में अच्छे से समझ भी सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया ये सब जैसे आप मैप वगैरह बना लीजिए इधर मराठा का और इधर आप अहमदनगर बीजापुर और ये सब कुछ समाहित कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको अभी आप ये वाला पोर्शन आप उसको आप कह नहीं सकते क्योंकि ये अभी तो अधीनता में ही चल रहे हैं, कभी इनके में कभी उनके में। लेकिन मैंने एक शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो ये शिवाजी के साम्राज्य को दर्शा रहा है। आगे चल करके हम बात करेंगे तब उसमें हम पूरा आपको शिवाजी का जिक्र करेंगे, औरंगजेब के साथ मुठभेड़ों का भी जिक्र किया जाएगा, बात होगी आगरा की भी और पुरंदर की संधि वगैरह की, पूरा जिक्र होगा, प्रांतों का डिवीजन सब कुछ, वहाँ की जो व्यवस्था थी आप देखेंगे, भू राजस्व वगैरह की सबका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।